जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसार। सुधीर गर्ग जी ने क्वेश्चन पूछा है, एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन है दोस्तों। लॉन्ड्री वॉश वर्सेस लोकल धोबी वॉश वर्सेस हैंड वॉश और होम वॉशिंग मशीन वॉश में क्या डिफरेंस आता है क्वालिटी में, मतलब किसका क्वालिटी बेटर है। तो इनके ही क्वेश्चन में आंसर भी है, लॉन्ड्री वॉश। तो हम पहले ना घर से शुरुआत करेंगे, हम होम वॉशिंग मशीन में वॉश। तो होम वॉशिंग मशीन में वॉश करोगे आप कपड़े, तो रेगुलर जो कपड़े होते हैं वो डालोगे, कुछ आपके जो थोड़ा सा मतलब जो भी कपड़े आप डालोगे वॉशिंग मशीन में, वो वॉशिंग मशीन में जाएंगे, सारे कपड़े एक साथ में वॉश होंगे। उसमें कोई वाइट कलर का बनियन डाल दिया, वाइट कलर का हाथ रुमाल डाल दिया आपने, कुछ ब्लैक कलर की जीन्स डाल दी, कुछ डार्क कलर के कुछ कपड़े डाल दिए, कुछ लाइट कलर के डाल दिए। तो वॉशिंग मशीन में धुलते धुलते क्या होता है कि अगर किसी का कलर थोड़ा लूज है या किसी कोई कपड़ा ज़्यादा मैला है तो उसका मैल कहीं ना कहीं लाइट कलर के कपड़े पे आ जाएगा, उसका वो जो शाइनिंग है ना वो डाउन कर देगा। तो ऐसा होता ही है, सभी ब्लू कलर की जीन्स डालोगे ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ लाइट डार्क कलर का कपड़ों का कॉम्बिनेशन होता ही है। ये देख लीजिए, ये लाइट कलर का टी शर्ट है और ये पैंट थोड़ी सी डार्क कलर की है, तो ऐसे ही होते हैं। तो घर के वॉशिंग मशीन में आप ऐसे ही डालोगे तो उसमें कलर में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, कुछ एकदम फ्रेश कलर है तो वो थोड़ा सा मैला भी हो जाता है। अभी मैं रोज़ कपड़े बदलता हूँ तो ठीक है, कोई 2-3 दिन में कपड़े बदलता होगा तो मैले ज़्यादा होते हैं और कुछ कपड़े होते हैं जो कम मैले होते हैं, बट वो इक्वल कर देता है। वॉशिंग मशीन की बात है, जितना भी बड़ा अच्छे से वॉशिंग मशीन लीजिए तो ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो डर्ट निकलने के बाद में थोड़ा टाइम तक वो मशीन में ही घूमते रहता है। उसके बाद में आपने बोला हैंड वॉश, हाँ हैंड वॉश की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, मतलब आप कहीं लॉन्ड्री पे वो हैंड वॉश कीजिए, कहीं पे भी हैंड वॉश कीजिए, सिंगल सिंगल कपड़ा अगर वॉश कर रहे हो तो वॉशिंग की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, बट आपको फिनिशिंग आयरनिंग स्टीम प्रेस वगैरह या साड़ी होगी तो रोल प्रेस वो सारा कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा, तब आपकी हैंड वॉश की भी क्वालिटी बहुत अच्छे से होगी। फिर उन्होंने पूछा है धोबी वॉश, लोकल धोबी वॉश। अभी लोकल धोबी वॉश क्या होता है मेरे को पता नहीं है, बट जैसा इन्होंने पूछा मुझे तो मुझे लगता है कि जो मुंबई वगैरह में जो धोबी घाट वगैरह होते हैं या कोई एक शहर में छोटे से शहर में एक धोबी होते हैं तो वो पूरे गाँव के कपड़े वॉश करते हैं, तो वो शायद इनको पूछना होगा। और अगर आपको कुछ इस वीडियो में कुछ सजेशन या ओपिनियन देना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो मुझे वैसे ही लग रहा है लोकल धोबी वॉश, तो वो क्या करेंगे, उनके पास मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं होगा शायद, स्टीम आयरन नहीं होगा, वो ब्रास आयरन से आयरन करते होंगे, कोयले के आयरन से आयरन करते होंगे, और घर के जो मेल है वो आयरनिंग का काम करते होंगे और बाकी दूसरी लेडीज़ वगैरह है वॉशिंग का काम करते होंगे। तो उनके पास दिक्कत क्या होती है पता है, कि टाइम कम होता है और बहुत ज़्यादा काम करना होता है, तो वो उतना क्वालिटी पे ध्यान देंगे इसकी मतलब मुझे आशंका है कि उतना वो क्वालिटी पे ध्यान देंगे नहीं देंगे, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं तो केमिकल वो इतना यूज़ करेंगे नहीं करेंगे उसके बारे में उनको केमिकल्स के बारे में नॉलेज होगा नहीं होगा, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि जो लोकल धोबी वॉश है तो वो कैसे काम करते होंगे। मेरे शहर में भी होंगे, आपके शहर में भी होंगे, तो महंगा कपड़ा है कोई 2,000 का 3,000 का, तो लोकल धोबी के पास जाना लोग थोड़ा मतलब ख़राब हो जाएगा, मतलब कन्फ्यूजन होता है, डाउट्स होते हैं, तो शायद नहीं डालते हैं वो, बट उनका ही काम उनका भी काम अच्छा हो सकता है, पैशन के साथ में काम करते होंगे और अच्छे से काम करते होंगे ऐसा मेरा मानना है। तो वो हो गया, आप लोकल वॉशिंग की बात कर रहे हो। और लॉन्ड्री वॉश, लॉन्ड्री वॉश में अभी मैं काम करता हूँ तो मैं खुद मेरे हाथों से काम करता हूँ, मेरे मतलब मेरे कंफर्ट जोन में सारा कुछ काम है, मैं ही करता हूँ इसीलिए मुझे पता है। बट अगर मेरा बड़ा लॉन्ड्री है और मेरे पास बहुत सारे कारीगर हैं तो वो कारीगर अच्छे से काम करेंगे नहीं करेंगे उसमें बहुत बड़ा डाउट है। बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ड्री ओनर्स के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये स्टेन नहीं निकला, वो स्टेन नहीं निकला, कस्टमर ने साड़ी वापस दे गया, फिनिशिंग सही से नहीं आया, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी ये सारा कुछ संभाल रहा है ना तो उसको अच्छा नॉलेज चाहिए। अगर कोई लॉन्ड्री ओनर है उसके पास कारीगर भी है, बहुत सारे कारीगर हैं,
बट खुद लॉन्ड्री ओनर को अच्छा काम पता होना चाहिए कि अच्छा काम कैसे होता है, अच्छा काम कैसे करवाया जाता है, तो लॉन्ड्री वॉश का भी काम अच्छे से हो जाएगा। प्रोफेशनल ड्राई क्लीनर्स वगैरह होते हैं, लॉन्ड्री ओनर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग फ्रेंचाइजी देते हैं, उनको भी बहुत सारे वीक पॉइंट होते हैं, बट ऐसा है कि सारा कुछ नॉलेज होना चाहिए, ओनर को नॉलेज होना चाहिए, तब वो कारीगरों से अच्छे से काम करवा सकता है। तो बस दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन था सुधीर गर्ग जी का, मुझे लगा कि वीडियो में लेना चाहिए। तो बस आप लोग भी अपना कमेंट ओपिनियन वगैरह हो ना, वो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।